शहीदों के मजारों पर लगे हुए हर वर्ष मेले वतन पर मिटने वालों की यही अंतिम निशान होती है। आज WFF और इस एनजीओ के द्वारा जो यह समारोह मेरा समागम यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है, यह उन तमाम हमारे शहीद नौजवानों के परिवार के प्रति श्रद्धांजलि का सबसे बड़ा जो है प्रेरणा है। हमारे नौजवानों के लिए बहुत बड़ा जो है यह एक संदेश है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हम अपनी जानों को कुर्बान दे करके हम अंतिम सांस तक रक्षा करें, और जो जवान आज शहीद हुए हैं उनके लहू का कतरा कतरा हम जो आज कर्जदार हैं, उनके सांस का एक एक सांस का जो है हम कर्जदार हैं, उनके प्रति हमारी सत्य श्रद्धांजलि का यह बहुत बड़ा समागम आज हमारे माननीय पी के गुप्ता जी और संरक्षक माननीय श्री सुदर्शन सरी जी के द्वारा यह संचालित किया जा रहा है, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ और हृदय से उनकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। पहले मैं ये सोचा था कि यह कार्यक्रम जो है एक साधारण कार्यक्रम होगा, लेकिन हमारे माननीय पीके गुप्ता जी ने बताया कि नहीं, यह शहीद के परिजनों को, उनके विधवाओं को, विरंगनाओं को एक सम्मान का सबसे बड़ा यह अवसर है। मैं जरूर यहाँ आकर के अपने को भाग्यवान ही नहीं, सबसे बड़ा परम सौभाग्य अपने को पाया कि यह कार्यक्रम में जरूर हम लोगों को जो है शिरकत करना चाहिए। मैं यहाँ पर आ करके यहाँ के आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और ऐसे कार्यक्रम हमारे नित्य हर वर्ष मेरे ही नहीं हर नित्य पल पल जो है इस टाइप के शहीदों के सम्मान के लिए आयोजन हो, देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए जो है सम्मान आयोजन हो, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास पूरे जो है देश प्रदेश में करने के लिए जो है बीड़ा उठाए हुए हैं। मित्रों, यह बहुत ही एक ऐसा यक्ष प्रश्न है कि जहाँ पर हम अपने शांति की बात कर रहे हैं वहाँ पर जो है आज जखीरा और हथियारों का होड़ लगाने का जो है देशों में चल रहा है। सारे देश पूरे भूमंडल पर जो है हमारे हथियार जो है बेचे जा रहे हैं, इससे हमारी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। शांति स्थापित का एकमात्र सूत्र जो है वह है प्रेम का, करुणा का, सद्भावना का, सौहार्दता का, वो सबको जो है आत्मसात करना चाहिए। यही हमारा जो है धर्म है, प्रेम ही हमारा संदेश और धर्म है, इसके प्रति हमको जो है सोचना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए, तभी हम जो है स्व शांति ला सकते हैं और देश को स्वतंत्र कर सकते हैं। आत्म शांति स्व शांति से ही जो है हम विश्व शांति स्थापित कर सकते हैं। प्रसन्नचित मन से ही जो है हम जो है कुछ देश में या हम अपने भारत जैसा कि जगत गुरु विश्व का गुरु बनने के लिए जिस समय अग्रणी पंक्ति में है उसको संदेश हम और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।